प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, बस्ती, बलिया जनपदों के फंसे हुए छात्रों को उनके घर पहुंचाने की मुहिम के अंतर्गत डिप्लोमा इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बरेली मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रधानाचार्य से बात करके एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय की स्वीकृति पर परमिशन ली एवं सभी का मेडिकल करवाकर निजी बस की व्यवस्था कर 3 दिनों में सभी छात्रों को उनके घर घर पहुंचाने का काम किया। घर पहुंचने के बाद सभी छात्र बहुत खुश हैं। उन्होंने संस्था जितेंद्र यादव एवं जिला प्रशासन बरेली का आभार प्रकट किया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र यादव है। इसमें जो राजकीय पॉलिटेक्निक के बच्चे फंस गए थे, उसमें आपने उनकी किस तरीके से मदद करी और उनको किस तरीके से घर पहुंचाया? जी, जैसे ही हमारे पास ये मामला संज्ञान में आया था कि राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली के बच्चे फंसे हुए हैं और वो घर जाना चाहते हैं, तो तत्काल हमने राजकीय पॉलिटेक्निक के सबसे पहले प्रधानाचार्य से संपर्क किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी बच्चों को भेजना चाहते हैं, इसमें क्या प्रशासनिक कार्रवाई होगी, हमारी मदद करिए। तो डिप्लोमा इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी संस्था है, जिससे मैं मंडल अध्यक्ष बरेली हूँ, वहाँ से हमें एक लेटर इशू हुआ जो इस बात के लिए दिया गया था कि हम इस प्रकरण में पूरी मदद करें। फिर हमने यहाँ के नोडल अधिकारी बरेली के ADME साहब से बात किया और निजी वाहन से बच्चों को ले जाने के लिए जो उन्होंने हमसे बात पहले कही थी उस पर हमने कार्रवाई की। सभी बच्चों की लिस्ट बना के और कॉन्ट्रीब्यूट बच्चों ने, प्रधानाचार्य जी ने, अन्य लोगों ने मदद करके बस को बुक किया और सब लोगों का सैनिटाइजेशन का काम करके सारी स्क्रीनिंग हुई हॉस्पिटल में, बस को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को उनके जनपद घर घर पहुंचाने का काम किया, जिसमें लगभग 3 दिन लगे। हमें अन्य लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ रास्ते में। इस समय बच्चे सकुशल अपने घर पहुँच गए हैं और सभी लोग खुश हैं, सभी एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे हैं। जी, इसमें जो आपने बताया अभी कि इसमें सभी बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया, तो कंट्रीब्यूशन जो किया गया था उसमें उन्हें किसी तरीके की कोई असुविधा तो नहीं महसूस हुई? जी नहीं, उनको कोई असुविधा नहीं हुई। बच्चे खुद ही कह रहे थे कि किसी भी तरह से हम घर जाना चाहते हैं और हम अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ से प्रशासन से अनुमति मिले या फिर कोई हमारा एक ऐसा साथ दे कि जो हमें घर तक पहुँचाने में मदद करे, वही हमने काम किया।